ये डिसीजन तो चलो ऊपर का गवर्नमेंट का डिसीजन है। डीसी जम्मू ने रात को 11 बजे इसको ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया है, मगर पहुंचाने वालों ने लेट कर दिया। कुछ 11 बजे के करीब पुलिस बैंड फिरी है जहाँ पे कि जो अपने की दुकानें बंद की हुई है, तब तक बहुत देर दूर की दुकानें लोगों ने लगा रखी थी, तो दुकानें अब लोगों ने काफ़ी हद तक बंद भी की हैं। तो इससे बड़ा लोगों को नुकसान है, किस्म का दुकानदारों को भी नुकसान है। चलो कोविड का तो होता ही है, नुकसान है ये जो है, लेकिन लॉकडाउन लगा है वो कल के लिए इम्प्लीमेंट करते तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता कि संडे से शुरू हुआ और नेक्स्ट वीक से तो सैटरडे संडे दोनों होगा। तो जो आज जो मार्केट लग गई थी आज नहीं करना चाहिए था इनको बंद, और कर भी देखो जैसे दूध वाले को अभी पता लगा, जैसे इसने 35-40 किलो दूध लिया हुआ है, ये कहाँ पर चाय बेचेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ दूध है, जो दिहाड़ी लाने दुकान से आया हुआ है वो कहाँ जाएगा। इसी तरह बड़ा काफ़ी नुकसान है लोगों का, कोई बड़ा नहीं इनको ये करना चाहिए, कल पे छोड़ देना चाहिए था। जब पिछली बार दरों से एक बैठक हुई थी उसके बाद फैसला लिया गया था, इस बार कोई बैठक की क्या आपसे? नहीं, अभी कोई बैठक नहीं, इस बात पे कोई बैठक नहीं है। रिपोर्टिंग पे दिख रहा है जैसे कि आज बता रहे हैं 2400 कुछ केस आ गए हैं या टेस्टिंग हो रही है, तो चलो केस बढ़ रहा है, धीरे धीरे से केस बढ़ रहे हैं, रोज़ कोविड के केस बढ़ते जा रहे हैं। चलो उसमें उनका डिसीजन है, चलो किसी ना किसी तरीके चैन तोड़नी है उन्होंने, तो वो तोड़ेंगे भी, मगर ये भी लाजमी लोगों को भी देखना चाहिए, इनको लोगों को भी देखना है, दुकानदारों को भी देखना है। आगे बोझ के तले से दबे हुए हैं, जैसे हमारे लोगों के बिजनेस कुछ लोगों के ऑनलाइन हो गए, कुछ हो गए, दुकानदार कहीं से भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा, तो दुकानदारों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है।